Assalamu alaikum students, I'm Dr. Siddiqui. Topic of my talk is a journey from the pharmacist to scientist. Mostly bahut sare students ka irada ye hota hai ki wo at the end of the pharmacy pharmaceutical industry join kare ya hospital join kare, aur kuch students ka phd mein admission lene ka fir mphil phd karne ka higher studies ki taraf irada hota hai. Theek hai, so basically in this my talk I will discuss about the mphil phd admissions aur साइंटिस्ट होने का मेरा जैसे जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको एक गाइडलाइन मिल जाए कि वहाँ कंप्लीशन के बाद आपको किस तरह साइंटिस्ट बनने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी और इस पाथवे बनने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है और क्या करेक्ट गाइडलाइन है जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं. मोस्टली आपके पास अगर आप फार्म डी के बाद इनके लिए जा रहे हैं इन द हॉस्पिटल और इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है, तो इंटर्नशिप आपने की, फिर आपने की, आप साथ साथ एमफिल पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं. सबसे पहले यू नीड टू गेट द एडमिशन इन द एमफिल, और समटाइम्स मेरा एडमिशन हुआ था डायरेक्ट एमफिल लीडिंग टू द पीएचडी. मींस एमफिल मैंने एमफिल में एडमिशन लिया, फॉरन एमफिल में कुछ काम करने के बाद कुछ एग्जाम्स मैंने क्लियर किए, देन मेरा एडमिशन कन्वर्ट हो गया एमफिल लीडिंग पीएचडी. पीएचडी में फिर फाइनली मैंने एक थीसिस फाइनली सबमिट करवाया लिख के और वाइवा दिया और डिग्री मुझे पीएचडी. अब एचईसी ने क्राइटेरियाज कुछ डिफरेंट कर दिए हैं, ठीक है, सो अब क्राइटेरिया से उसके अकॉर्डिंग आपने यू हैव टू गेट द एडमिशन इन द एमफिल, ठीक है, और एमफिल की डिग्री करेंगे, थीसिस सबमिट करवाएंगे, वाइवा देंगे, एमफिल की डिग्री अवार्ड होगी, देन यू हैव टू गेट द एडमिशन इन द पीएचडी, ठीक है, एमफिल लीडिंग टू पीएचडी. अब एचयूसी ने डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन अभी रिसेंटली ने अनाउंस किया था फार्म डी के बाद यू कैन डायरेक्टली गेट द एडमिशन इन द पीएचडी. तो वो जब आप एडमिशन लेंगे तो जो एचयूसी क्राइटेरिया होंगे जो अनाउंस होंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द एमफिल. फिल स्टैंड्स फॉर एमफिल इज द मास्टर्स डिग्री. आप जो फार्म डी कर रहे हैं ये बेसिकली आपकी ग्रेजुएशन डिग्री आई होगी, ठीक है, दिस इज योर ग्रेजुएशन डिग्री, ठीक है, ऑल्दो दिस इज द 5 ईयर कोर्स बट आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होगी, ठीक है. और अगर आप एमफिल कंप्लीट कर लेते हो और फिर पीएचडी में एडमिट है तो दिस इज द हाइएस्ट क्वालिफिकेशन वाइज दिस इज द हाइएस्ट डिग्री, ठीक है, हाइएस्ट डिग्री. इसके बाद पी के बाद कोई क्वालिफिकेशन नहीं है. हाँ, पीएचडी के बाद अगर आप कहीं एडमिशन ले रहे हैं लाइक अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो दिस इज द ट्रेनिंग. अगर मैं कहीं अब पीएचडी के बाद कहीं बाहर जाऊं तो वो ट्रेनिंग होगी क्योंकि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मैं अचीव कर चुकी, ठीक है. उसके बाद पोस्ट डॉक्टोरल हो गया, ट्रेनिंग आप मल्टीपल ले सकते हैं, यू कैन गेट द ट्रेनिंग फ्रॉम द फ्रांस लाइक, फिर अगर आप यूएसए से लें फ्रॉम द कैनेडा, सो ये आपकी मल्टीपल पोस्ट डॉक्टोरल ट्रेनिंग हो जाएंगी, सही है. अगर आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट या इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट के इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन ज्वाइन द हॉस्पिटल और द इंडस्ट्री, बट साथ साथ पैरेलल मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि कंप्लीट योर हायर स्टडीज एज वेल, पैरेलल साथ साथ करें. डिफिकल्ट होता है मैनेज करना, लेकिन सिर्फ फार्म डी के बेसिस पे आप फार्म डी पे आप स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है. तो आजकल का जो एरा चल रहा है, जो कंपटीशन मार्केट में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग और फॉर योर प्रमोशन यू नीड टू डू एजुकेशन, सही है. और इनफैक्ट कुछ लोग एमफिल पे स्टडीज अपनी रोक देते हैं, एमफिल के बाद फिर पीएचडी भी करना भी मैंडेटरी है फॉर योर प्रमोशन वगैरह, ठीक है. सो सबसे पहले मतलब साइंटिस्ट बनने का जो सफर है वो आप स्टार्ट होगा कि आपने एक इरादा किया कि यू हैव टू डू द एमफिल, ठीक है. सो एमफिल और पीएचडी और फिलोसफी क्या है, आपने एक क्वेश्चन जनरेट किया, यू हैव टू जनरेट द क्वेश्चन ड्यूरिंग योर रिसर्च स्टडी ड्यूरिंग द पीएचडी, और उस क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड आउट करेंगे और उसका आंसर देंगे इन द योर थीसिस और इन द फॉर्म ऑफ योर पब्लिकेशंस, ठीक है. और फर्दर ये क्वेश्चन कैसे डेवलप होगा, कैसे जनरेट होगा, वो नेक्स्ट कपल ऑफ स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. वंस यू हैव डिसाइडेड दैट यू आर इंटरेस्टेड टू डू एमफिल और पीएचडी, तो सबसे पहले यू नीड टू गेट द एडमिशन, ठीक है. सो देर आर द डिफरेंट ऑप्शन इन द कराची. आपके पास कराची यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ICCBS, इसको मे भी काफी स्टूडेंट्स को नाउ कम्प्लीटेड माई पीएचडी फ्रॉम ICCBS, इसको मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करती हूँ, ठीक है. कराची यूनिवर्सिटी के अदर देन के यू वी हैव डाउ यूनिवर्सिटी, डाउ यूनिवर्सिटी भी एमफिल पीएचडी प्रोग्राम ऑफर कर रही है, हमदर्द यूनिवर्सिटी, जिना यूनिवर्सिटी, बकाई यूनिवर्सिटी एंड द साउथ इंडियन यूनिवर्सिटी, ठीक है. सो मैंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया, पीएचडी किया था ICCBS. ICCBS इज द इंस्टीट्यूट नेम, ठीक है, कहाँ है, कराची यूनिवर्सिटी में है ये, ठीक है. और तो हम मुझे बेसिकली जो डिग्री अवार्ड हुई है वो मुझे यूनिवर्सिटी KU की डिग्री अवार्ड हुई है, लेकिन ये एक इंस्टीट्यूट है कराची यूनिवर्सिटी में. इसके अंदर फिर डिफरेंट हैं लाइक HEJ PCMD, उसमें फिर आप HEJ में लाइक फार्माकोलॉजी में एडमिशन आपका हुआ है तो आप HEJ में
ऐसे एनरोल होते हो, अगर आप मॉलिक्यूलर मेडिसिन में एडमिशन आपका हुआ है तो आप पीसीएमडी से एनरोल हुए हो, ठीक है। अगर आपका केयू में आपका एडमिशन, आप आईसीसीबीएस में भी एडमिशन अप्लाई कर सकते हो या फिर ये कराची यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट में। अच्छा, इन दोनों में से किसी एक का आपको अलाउ है कि आप फॉर्म फिल करके टेस्ट वगैरह में अपियर हो, ठीक है, इधर इन द केयू और इन द ये आईसीसीबीएस, ठीक। सो आपने अगर कराची यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया है तो यहाँ पे आपको आप फार्मेसी के पांचों मेन सब्जेक्ट्स हैं, लाइक फार्म केम, फार्माकोलॉजी, फार्मेसी प्रैक्टिस, कॉग्नोसी, ये आपको पांचों सब्जेक्ट्स में एमफिल पीएचडी ऑफर करते हैं। वेयर इज इन द आईसीएस दे ओनली ऑफर यू एमफिल पीएचडी प्रोग्राम इन द फार्माकोलॉजी, ठीक है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड द पीएचडी इन द फार्माकोलॉजी तो आप आईसीसीबीएस में यू कैन अप्लाई इन द आईसीसीबीएस, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आप यू हैव टू अप्लाई फॉर द एडमिशन, ठीक है। तो एडमिशन के लिए आपने क्या सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपने एक इरादा किया, और काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं वंस दे डिसाइडेड और एडमिशन लेने के बाद बीच में छोड़ देते हैं, ठीक है। सो अपने इट्स बेटर टू डिसाइड और उसको अपने जो आपने इरादा किया है कंप्लीट कीजिए, ठीक है। काफी लोग ड्यूरिंग दिस जर्नी ये सफर छोड़ देते हैं, ऑल्दो देयर आर डिफिकल्टीज, बहुत ये जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट है, ठीक है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है नो डाउट, लेकिन इसका एंड पॉइंट रिजल्ट है वो बहुत फ्रूटफुल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इरादा करना है कि आप एडमिशन आप किस में कौन सी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हो, इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन योर नॉलेज, ऑन योर जीपी, ठीक। जैसे अगर मैं आपको कराची में बेस्ट फैसिलिटीज वाइज बताऊं तो आईसीसीबीएस बेस्ट है, ठीक है। ये मतलब इतनी ज्यादा फैसिलिटीज हैं कि यू नेम इट एंड दे हैव इट, ठीक है। बाकी जगहों पे फैसिलिटी कंपेयर टू आईसीसीबीएस थोड़ी कम है, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर जगह बहुत ज्यादा डेवलपमेंट स्पीड में हो रही है, ठीक है। तो आप मल्टीपल जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिडन, नहीं अगर आपका एक जगह एडमिशन हो सकता है तो यू हैव अदर ऑप्शन एज वेल, ठीक है। तो आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया, ठीक है। अब सबसे पहले आपको एडमिशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। जैसे ही वंस यू कंप्लीटेड योर फॉर्म डी, ठीक है, आपकी सेमेस्टर की मार्कशीट आ जाती है, ठीक है। फिर आप अपनी कंप्लीट जो कम्युनिटी मार्कशीट होती है, फाइनल 5 ईयर की कंबाइंड मार्कशीट होती है, आप उसके लिए अप्लाई करेंगे, उसमें भी 15 days to 1 month राउंड लगता है, ठीक है। उसके बाद जब आपके पास आपकी कम्युनिटी जो कंप्लीट जो 5 ईयर के मार्क्स लाके जो CGPA पूरा आपका उसमें मेंशन होगा, वो मार्कशीट जैसे ही आपको रिसीव होगी, आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई डिग्री। मीन वाइल उसके बीच में आपको कॉन्वोकेशन हो जाएगा, ठीक है, कॉन्वोकेशन होगा और डिग्री फिर आपको अवार्ड हो जाएगी। ओवरऑल अगर आप बहुत अटेंटिव रह के हर चीज बहुत प्रॉपर टाइम पे भी करते हैं तो इट ऑलमोस्ट टेक 2 to 3 months, ठीक है। लाइक दिसंबर में यू हैव कंप्लीटेड योर फॉर्म डी तो अराउंड मार्च और अप्रैल तक यू कैन गेट योर डिग्री, ठीक है। और मीन वाइल आपके पास डिफरेंट हॉस्पिटल से इंडस्ट्री का आप इंटर्नशिप वगैरह कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो आप अब आपके पास आपकी मार्कशीट आ चुकी है, आपकी डिग्री के पास है, अब आपको एडमिशन अनाउंस होते हैं, न्यूज़पेपर में आता है, डॉन में आता है, जंग में आता है, आप तो सोशल मीडिया जिस तरह है व्हाट्सएप पे एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, तो डिफरेंट रिसोर्सेज के थ्रू पता चिल जाता है कि केयू में जैसे एमफिल पीएचडी अनाउंस हुआ है या डाउ में हुआ है, ठीक है। तो आपने और समटाइम्स ये होता है कि आप वेबसाइट्स वगैरह पे भी जाके चेक करते हो, यूनिवर्सिटीज के विजिट करते हो, तो आईसीसीबीएस वगैरह में अप्रैल या मई या जून में अनाउंस होता है। सो इस तरह से अनाउंस हो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हैं, अगर आप कहीं इंटर्नशिप कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू आप साथ में अप्लाई कर ले, ठीक है। तो आपने वेबसाइट पे जाके उनका फॉर्म डाउनलोड करना है, ठीक है, फिल द फॉर्म, ठीक है। फॉर्म फिल करने के साथ यू हैव टू कुछ फीस उसकी होती है, ठीक है, आपने उसकी एडमिशन की फीस पे की, लाइक कहीं 5,000 होती है, कहीं 1,500, कहीं 2,000, इस तरह आपने फीस पे कर ली। और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे इन द फॉर्म ऑफ द फोटोकॉपी, तो वो आपका मैट्रिक मार्कशीट होगा, ठीक है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, देन इंटर मार्कशीट, देन योर इंटर सर्टिफिकेट, आपकी जो फॉर्म डी की कंप्लीट 5 ईयर्स की जो कंबाइंड मार्कशीट आ गई, कंसोलिडेटेड मार्कशीट आ गई, दैट इज रिक्वायर्ड एज वेल एज योर फॉर्म डी डिग्री। और अगर आप रिकॉल करें तो आपने फॉर्म डी के बाद अपनी कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी अरेंज करके पहले ही रख दी, फॉर्म डी की डिग्री भी आपके पास है, तो डॉक्यूमेंट्स आपने ऑलरेडी करके अपने पास सेट पूरा बना के रेडी कर दिया था, बस जैसे ही एडमिशन अनाउंस हुआ आपने फॉर्म फिल किया, फीस पे की, ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट्स आपने इसके साथ अटैच किए, ठीक है। बिसाइड दिस आपको यू नीड सीएनआईसी, सिन डोमिसाइल, पीआरसी, ठीक है,
इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और जो फॉर्म आपने है वो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये कि यू हैव टू क्लियर लाइक डाउ में इफ यू आर अप्लाइंग, जगह के अपने अपने रूल्स होते हैं। लाइक जब मैंने ICCPS में अप्लाई किया था तो मेरा एक बस सब्जेक्टिव टेस्ट हुआ था, इनफैक्ट उस नहीं था, वो सब्जेक्टिव भी था और अदर देन मतलब इंग्लिश और मैथ्स से भी रिलेटेड ओवरऑल एक टेस्ट हुआ था, उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हुआ। लेकिन जैसे आप डाओ है तो डाओ में आपके पास गेट भी आपका होता है, ठीक है, और गेट के लिए आप NTS की वेबसाइट पे जाओगे, उसके पे वहां पे आप उसके रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, ठीक है। तो गेट अगर आप जैसे अगर आप फार्म डी के पास पैरेलल दिसंबर में आपने अपने सारी कंप्लीशन करने के बाद अगर आप NTS की वेबसाइट पे देखें और देखिए गेट का टेस्ट कब अनाउंस हो रहा है, आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें साथ साथ, और आप उस गेट को क्लियर करने के लिए उसकी प्रिपरेशन कर लें और गेट भी क्लियर कर लें, तो ये आपके एडमिशन में बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विस है, उस पर आपको गेट की पूरी इंस्ट्रक्शन गिविन है। डाउन एट लिए आप एक सब्जेक्टिव टेस्ट देते हो, इसके अलावा आपके पास गेट का स्कोर होना चाहिए, मींस परसेंट स्कोर इज रिक्वायर्ड, ठीक है, वो टेस्ट क्लियर करने के लिए। सो अगर आपके पास आपने गेट किया हुआ है तो इट्स ओके, ठीक है, आपका आप अपने गेट का जो स्कोर है वो साथ में इन डॉक्यूमेंट्स के साथ, क्योंकि उस इन द फॉर्म दे आस्क यू कि आपने गेट क्लियर किया हुआ है या नहीं। अगर आपने क्लियर नहीं किया हुआ तो नो प्रॉब्लम, आप उस जैसे डाउ यूनिवर्सिटी खुद अरेंज करके एक गेट का टेस्ट लेता है, ठीक है, और अगर आपने NTS के थ्रू दिया हुआ है आपका गेट का क्लियर होगा, बस आपको सिर्फ सब्जेक्टिव टेस्ट देना होगा। अच्छा, गेट की वैलिड 2 इयर्स होती है, अगर आपने सपोज गेट का टेस्ट क्लियर किया हुआ है तो 2 इयर्स तक वो वैलिड होगा, ठीक है, अगर NTS किया हुआ है, और अगर आफ्टर 2 इयर्स आप कहीं डाउ में जैसे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फिर गेट क्लियर करना होगा, ठीक है। अब अगर वो स्टूडेंट जिनका गेट क्लियर नहीं है या गेट नहीं दिया तो वो फिर जब डाउ अनाउंस कर टेस्ट की डेट वगैरह तो वो अपना गेट अनाउंस करते हैं, वो टेस्ट रखते हैं और एक सब्जेक्टिव टेस्ट रखते हैं, मीन्स टोटल रखेंगे जिनका गेट क्लियर नहीं है, ठीक है। सो दे हैव टू अपीयर इन द 2 एग्जाम्स, दैट इज इन द गेट एज वेल एज इन द सब्जेक्टिव, ओके। दोनों में 50% मार्क्स आपके आने चाहिए क्लियर करने के लिए, ठीक है। और गेट बेसिकली दिस टेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द एडमिट एमफिल और द PhD, ठीक है, ये ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट है, ये बेसिकली एडमिशन के लिए ये टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। 50% मार्क्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं टू पास दिस टेस्ट, ठीक है। इसमें बेसिकली MCQs बेस्ड होता है, इसमें 50 और 100 MCQs होते हैं और ड्यूरेशन अगर 50 questions है तो 1 आवर और अगर 100 MCQs तो 2 आवर, ठीक है। ये पॉलिसी क्वेश्चन की और टाइमिंग की वेरी भी हो सकती है, ठीक है, और पासिंग मार्क्स 50% है, ठीक है, टू क्लियर द गेट, ठीक है। और गेट में बेसिकली क्या क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स, दैट इज द इंग्लिश, मैथ एंड एनालिटिकल। एनालिटिकल मीन्स साइंस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, साइंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, तो एक बुक अवेलेबल होती है, पब्लिशर की बुक, ठीक है, NTS की बुक है डॉगर्स, ठीक है, उसमें ये 3 पार्ट्स होते हैं और उसमें प्रीवियस पेपर्स भी होते हैं, पास्ट पेपर्स वगैरह भी होते हैं, तो आप NTS के प्रिपरेशन गेट के प्रिपरेशन डॉगर्स से करके गेट का पेपर गेट का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप गेट का एग्जाम नहीं दिया तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप एक सब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा वो उसमें लाइक डाओ में, तो फिर आप गेट के लिए अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया या क्लियर नहीं है तो डाका एक अलग से गेट का टेस्ट लेगा और उसमें यू हैव टू अपीयर इन दिस और उसमें आपको फिर पासिंग 50% पासिंग मार्क होंगे। लेकिन अगर आपने डाओ में गेट का पेपर दिया है तो ऐसा नहीं होगा कि वो एग्जाम के बेसिस पे आप उस स्कोर के रिजल्ट को जाके किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। अगर आपके पास NTS है तो वो हर जगह उस NTS का आपने जो गेट क्लियर किया है आप उसकी उस पर हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके दे सकते स्कोर रिपोर्ट। लेकिन अगर डाओ आपका गेट अरेंज कर रहा है तो फिर वो सिर्फ एप्लीकेबल सिर्फ डाओ का, ठीक है, ओके। गेट आपने किया, ठीक है, उसके बाद आपका जो सब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट होगा इज डिपेंड ऑन विच सब्जेक्ट यू आर इंटरेस्टेड टू गेट द, ठीक है। आप फार्मेसी में अगर आप इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द फार्माकोलॉजी टू डू द एमफिल और PhD इन द फार्माकोलॉजी, तो जाहिर सी बात है एनरोल आप जो फॉर्म फिल करेंगे उसमें जो ऑप्शन होगा आप उसमें फार्माकोलॉजी को चेक लगाओगे, ठीक है। सो आप यू आर इंटरेस्टेड इन एमफिल फार्माकोलॉजी, ठीक है, तो आपका फिर जो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा वो प्योरली फार्माकोलॉजी क्वेश्चंस होंगे। अगर आप फार्मेसी प्रैक्टिस में इंटरेस्टेड हो तो आप फॉर्म में फार्मेसी प्रैक्टिस में चेक लगाओगे, ठीक है, फिर आपके कुछ सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होगा उसमें फार्मेसी प्रैक्टिस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। सो आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा आप अकॉर्डिंगली फॉर्म फिल करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन मिलेगा। हाँ, सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज फार्मेसी में जा रही होती है, सॉरी परसेंटेज नहीं, GP, ठीक है। तो कुछ ये GP वगैरह के भी क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है।
जैसे डाओ का जो सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है उस पे वो भी एमसीक्यू होता है, लाइक 75 क्वेश्चंस होते हैं और 1 से 1.5 आवर आपको गिवन होते हैं और 50% उसके मार्क्स है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द आपको कैसे प्रिपरेशन करिए और एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। अगर आपका टेस्ट होता है, ठीक है, आपका टेस्ट हुआ, आपने गेट के लिए किया, इफेक्टिव टेस्ट के लिए किया, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। मोस्टली जब आपके सारे टेस्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप जो है फिर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में फिर फाइनल आपका सिलेक्शन हो गया, अगर तो एडमिशन हो गया, ठीक है। तो आपके एडमिशन के वक्त जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल आपकी फॉर्म डिग्री और ओरिजिनल डोमिसाइल जो है वो सबमिट होता है एट द टाइम ऑफ योर एडमिशन, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज के लिए ये पूछ रही है, यस यू कैन, आप एम फिल पी एच डी के लिए यू कैन अप्लाई। और मोस्टली ये होता है कि जाहिर सी बात है फॉरेन कंट्रीज में जाके स्टडी करना बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, तो इट्स बेटर कि आप किसी स्कॉलरशिप अप्लाई करें। अगर आप देखें तो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है, और अगर आप कोई स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जाके कुछ लिंक वगैरह कुछ होते हैं उनको अगर आप कहीं सब्सक्राइब करवा लें, स्कॉलरशिप पोजीशन वगैरह पे चेक कर लें, और ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए या मास्टर प्रोग्राम के लिए या एम फिल पी एच डी के लिए आप सब्सक्राइब कर लें, तो जितने भी अनाउंस ये स्कॉलरशिप्स की आपके पास ईमेल आती रहती है। लाइक जैसे मैं पोस्ट डॉक के लिए स्कॉलरशिप पोजीशन पे मैंने सब्सक्राइब किया, जो भी पोस्ट डॉक अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री में, यूएसए में, यूके में, यूरोप में, अमेरिकन साइड पे इंटरव्यू है, तो आप कंट्रीज के नाम लिख के सब्सक्राइब करा सकते हैं। तो जो नए नए स्कॉलरशिप्स अनाउंस होते हैं वो आपको थ्रू वाया ईमेल आपको मिल जाते हैं, रिसीव होते हैं, और फिर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एम फिल लेवल पे भी स्कॉलरशिप्स अनाउंस होती हैं, पीएचडी लेवल पे भी, पोस्ट डॉक्टोरल लेवल पे भी। ऑल्दो मिशन बहुत टफ हो गया है, बहुत बहुत डिफिकल्टी से मिलता है, लेकिन अगर आपका साइनोप्सिस, आपका रिसर्च, आपका जो रिसर्च बेस्ड आइडिया है अगर वो अच्छा है, आपने करना क्या है, आप जिस फील्ड में इंटरेस्ट उसका रिलेटेड एक रिसर्च प्रपोजल लिख के दोगे, आपका रिसर्च प्रपोजल इतना स्ट्रांग होगा कि एक फॉरेन रिसर्चर को अच्छा लगेगा, और तो वो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। यू फॉर द स्कॉलरशिप्स, ठीक है। इनफैक्ट आप एनरोल खुद को करके फिर रिसीव आपको हो तो आप डिफरेंट जगहों पे अप्लाई करें, ठीक है। थ्री थ्री सीजीपीए मिनिमम है, ठीक है। 3 से कम होगी एडमिशन नहीं होता, मिनिमम 3 है, ठीक है। डोमिसाइल बेसिकली सिंध वालों के ही होते हैं, डोमिसाइल में देख रहे उसमें कुछ दूसरे उनके प्रोविंस के लिए भी होती है सीट्स। इनफैक्ट एमफिल से पीएचडी में एडमिशन के वक्त भी जो आपकी एमफिल जीपी होती है वो भी 3 ही रिक्वायर्ड होती है, अगर 2.9 वगैरह हो तो फिर चांसेस नहीं होते। अच्छा, आपका एडमिशन, आपने समझा, आपने जो एक इरादा किया था साइंटिस्ट बनने का, ठीक है। साइंटिस्ट कैसे बने, मतलब ये टर्म साइंटिस्ट मैं बार बार क्यों यूज कर रही हूँ, इसका आंसर आपको नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में मिल जाएगा, ठीक है। वंस यू डिसाइडेड, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी किया, आपका आपने अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया, आपकी जीपी अच्छी है, आपकी नॉलेज अच्छी है, आपको लाइक सपोज बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, ठीक है। अब एडमिशन होने के बाद सबसे पहला जो आपका होता है वो फर्स्ट जो पहला ईयर होता है वो आपका का होता है, ठीक है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाए, इधर इन द फॉरेन कंट्रीज, आपका फर्स्ट पहला जो साल होता है वो कोर्स वर्क का होता है, ठीक है। उसमें आप एक्सपेरिमेंटल वर्क मोस्टली बहुत कम होता है, जैसे मैं आईसीसीबीएस में आपको जॉब करना अलाउ नहीं होता, वो आपको स्टाइपेंड देते हैं और अच्छे खासे अमाउंट दे रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे 9 to 5 मुझे अपनी लैब में रहना होता था, आपका अगर आईसीसीबीएस में एडमिशन हुआ है, ठीक है, तो क्योंकि डिग्री आउट कराची यूनिवर्सिटी का, तो आपका जो फार्माकोलॉजी, मेरा एजीजे में फार्माकोलॉजी में एडमिशन हुआ था, तो मैं अपना कोर्स कराची यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट में जाती थी, ठीक है। तो आपका कोर्स वर्क फार्मेसी डिपार्टमेंट में होगा इफ यू गॉट द एडमिशन इन द आईसीसीबीएस। बाकी जो फार्मेसी केयू के फार्मेसी डिपार्टमेंट में जिनका एडमिशन हुआ है ऑब्वियसली उनका कोर्स होगा, डाओ में जिनका हुआ है वो उनका डाओ में ही होगा, ठीक है। तो आईसीसीबीएस में जब मेरा एडमिशन हुआ, मैं अपना कोर्स वर्क, एक साल तक मेरा जो कोर्सेज क्लासेस होती थी वो मैं अटेंड करने फार्मेसी डिपार्टमेंट जाती थी। तो हमारे स्टूडेंट्स एमफिल पीएचडी में जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं वो जॉब्स भी कर रहे हैं, जबकि आईसीसीबीएस पे जॉब अलाउ नहीं होती, आपको स्टाइपेंड मिलती है। तो मैं तो डेली आती थी अपनी लैब पे, फिर मैं तो फार्मेसी डिपार्टमेंट जैसे 2 या 3 डेज क्लासेस होती थी, मतलब एमफिल का टाइम टेबल इस तरह स्केड्यूल बनाया जाता है कि यू हैव टू फॉर 2 और 3 डेज, लाइक फ्राइडे सैटरडे हमारी क्लासेस हो जाती थी और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। तो इस तरह टाइम एडजस्टमेंट था ताकि जो जॉब करते हैं उनके लिए भी
फिजिबल हो। और मैं क्योंकि मेरा फुल टाइमिंग था ICCBS में, तो मैं अपनी एचईजे में जाती थी, वहां से मैं फार्मेसी डिपार्टमेंट में कोर्स क्लासेस अटेंड की, फिर अपनी लैब में वापस आ जाती थी। तो उस कोर्स वर्क का जो 1 ईयर था, उसमें आपको सारे यू हैव टू क्लियर ऑल द कोर्सेज, ठीक है, आपके 2 सेमेस्टर भी, फर्स्ट सेमेस्टर आपके, सेकंड सेमेस्टर है, ठीक है, उस पर भी यही होता है, जीपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, less than 3 होगी तो आपका पीएचडी में एडमिशन नहीं होगा, ठीक है, तो अगर किसी के 2.9 है तो फिर से रीअपियर वगैरह होना पड़ता है, 3 GPA रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो आपका 1 ईयर का कोर्स होगा, कोर्स वर्क होगा आपका, अगर एम फिल में एडमिशन भी, और अगर आपका पीएचडी में एडमिशन हुआ है तो भी आपका 1 ईयर का कोर्स वर्क होगा। जैसा मेरा एम फिल लीडिंग टू पीएचडी था, मेरा बस सिर्फ मैंने एम फिल के बाद कोर्सेज किए थे, मुझे पीएचडी के अलग से 1 साल के कोर्सेज करने की जरूरत नहीं थी, रूल्स चेंज होते रहते हैं, मेरी डिग्री के बाद पीएचडी के कोर्सेज करना भी मैंडेटरी हो गया था, ठीक है। अब उस 1 ईयर के दौरान मैंने क्या किया, अपनी लैब जाती थी मैं, कोर्सेज अटेंड किए, उसके बाद अपनी लैब में मैं एचईजे में लैब में आ जाती थी, मैंने अपने सीनियर्स के साथ उनको ज्वाइन किया, वो अपनी लैब में जाके इन वीवो एनिमल स्टडीज, जो भी स्टडीज वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, मैंने उनको एक्सपेरिमेंट्स करते देखा, मीन कैलकुलेशन सीखी, क्योंकि रिसर्च में कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने डोज ही गलत कैलकुलेट किया, मैंने मेरा ये भी एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 5 5 years तक रिसर्च करके जब पेपर थीसिस लिख रहे होते हैं तो पता चले डोज कैलकुलेशन ही रॉन्ग की थी। सही है, तो आप डोज कैलकुलेशन सीखें, अपने सीनियर से डिस्कस करें, अपने सुपरवाइजर से डिस्कस करें। तो उस साल के दौरान मैंने कैलकुलेशन, पीएच मीटर कैसे यूज करते हैं, वेइंग बैलेंस कैसे करते हैं, एनिमल हैंडलिंग कैसे करते हैं, अपने सीनियर्स को ज्वाइन किया, उनके साथ उनके एक्सपेरिमेंट में जाके देखा। तो उस 1 साल के दौरान मुझे आइडिया हो गया, रिसर्च आइडिया मुझे मिल गया। सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च है कि आपका रिसर्च आइडिया, आप जो क्वेश्चन जनरेट करेंगे कि आपने रिसर्च करनी है, तो वो उसके लिए आप बड़े क्लियर होने चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स, जैसे अभी फार्मडी में मैं बता रही हूँ, कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं मैम वी आर इंटरेस्टेड टू डू रिसर्च, लेकिन उनके पास कोई आइडिया नहीं होता, तो वो कहते हैं मैम आइडिया हमारे पास है। तो आइडिया आता कहाँ से बेसिकली, इफ यू आर डूइंग एम फिल और पीएचडी, अगर आपको कोई कहता है कि कोई रिसर्च प्रपोजल, तो आइडिया बेसिकली आएगा कहाँ से, ठीक है। अगर आप हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं या इंडस्ट्री में, कुछ आइडियाज आपको उस फील्ड से भी आ सकते हैं, ठीक है। कुछ सर्टेन, कुछ ऐसे होता है किसी फैमिली में कोई डिजीज है तो आप चाहते हैं कि आप उस डिजीज पे कुछ रिसर्च करें, ठीक है। तो रिसर्च आपको एक जनरेट करना होता है, ठीक है। अब जैसे पेंक्रियास कैंसर है, ठीक है, पेंक्रियास कैंसर में डायग्नोसिस जो है लास्ट स्टेज में होता है, फोर्थ स्टेज पे, जब डिजीज पूरी मेटास्टेसिस हो गया, फोर्थ स्टेज पे आ गई तो डिजीज डायग्नोज होती है, ठीक है, और उसके बाद और उसके उस वक्त ट्रीटमेंट भी नहीं है। तो इस तरह के जब आप देखते हो, तो फिर आप ये आइडिया आ सकता है कि अगर हम कोई ऐसा प्रोटीन वगैरह स्टडी करें, कोई ऐसी उसकी पैथोलॉजी कोई स्टडी करें कि जो उसके डायग्नोसिस, जो उसका मार्क है डिजीज में, जो इन मार्कर है, वो डायग्नोस फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज पे ही हो जाए। तो ये यहाँ आया कि ये दिस इज द प्रॉब्लम कि फोर्थ स्टेज में डायग्नोस हो रही है, और आइडिया ये आया कि हम कोई ऐसा मार्कर सर्च करें, तो उसके लिए फिर आप डिजाइन करोगे एक रिसर्च स्टडी। तो आपने अपने सराउंडिंग में, आप अपने इसके लिए आपका एक तो आप अपने सीनियर्स से रिसर्च में डिस्कस करेंगे, आप विद योर सुपरवाइजर, डिस्कस विद योर सुपरवाइजर, विद योर सीनियर्स, ठीक है। रीड द रिसर्च आर्टिकल, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है रीड रिसर्च आर्टिकल्स। समटाइम ये होता है लोग अपने फोल्डर में रिसर्च आर्टिकल सर्च करके रखते जाते हैं, लेकिन रीडिंग तो जीरो होती है, ठीक है। तो रीड द रिसर्च आर्टिकल्स, बिल्कुल जो करंट रिसर्च आर्टिकल्स है, यूएसए के, फ्रांस के, चाइना के, ठीक है, यूके के, जो रिसेंट करंट पेपर्स हैं उसे देखिए कि करंटली क्या काम हो रहा है, में हो रहा है, कौन से डिजीज पे हो रहा है। अगर आप करंटली देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट कोविड का ही मिलेगा, ठीक है। तो रिसर्च आइडिया, हाँ, फील्ड स्पेसिफिक, जैसे मैं ICCBS गई, मुझे भी उस वक्त आइडिया नहीं था कि मुझे करना क्या है, लेकिन मुझसे पूछा गया कि आप फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, तो लाइक अगर आप कैंसर की फील्ड में इंटरेस्टेड है, कैंसर पे काम करना चाहते हैं, तो फिर आप कैंसर की लैब करेंगे, जिस लैब में एंटी कैंसर वर्क होता है। अगर आप इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी, इन्फ्लेमेशन में इंटरेस्टेड है, ठीक, आप इन्फ्लेमेशन की लैब को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह न्यूरो की फील्ड में इंटरेस्टेड है तो न्यूरो की लैब, आप न्यूरो लैब ज्वाइन करें, ठीक है। तो वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। मेन फील्ड आपने सोच ली कि आई एम इंटरेस्टेड इन द न्यूरो, ठीक है, आपने न्यूरो की लैब ज्वाइन किया। अब उसमें आप देखिए कौन कौन से काम हो रहे हैं, कोई डिप्रेशन पे काम कर रहा है, कोई एनजाइटी पे काम कर रहा है, कोई शिजोफ्रेनिया पे काम कर रहा है, फिर आप फील्ड में स्पेसिफिक हो जाए, फिर आप ये देखिए कि कौन क्या काम हो रहा है, किस काम हो रहा है, और उस फील्ड, उस स्पेसिफिक डिजीज पे ऐसी क्या चीजें जो जिसकी इम्यूनिटी को, ठीक है। ऐसे नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस लैब रिसर्च लैब को ज्वाइन किया, उस पे जो सीनियर है, एज इट इज उसी सेम काम को उठा लिया, सेम काम किया, बस डिफरेंस क्या होता है कि उन्होंने कंपाउंड चेंज कर दिया, बाकी सारी एक्टिविटी।
तो काम ऐसा कीजिए जो कम्युनिटी के लिए यूजफुल हो, ठीक है? सर डिस्कस करें विद सुपरवाइजर, डिस्कस विद योर सुपरवाइजर, ठीक है? रिसर्च पेपर्स पढ़िए, ठीक है? बाद आप प्रॉब्लम देखिए कि प्रॉब्लम कहाँ है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप पेपर पढ़िए कि क्या काम हो चुका है और उसमें इन फ्यूचर आप क्या इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल ये दूंगी कि हम एज अ फार्मासिस्ट हम पढ़ रहे होते हैं कि एनसेस जो है कॉक्स इनहिबिटर है। आपने देखा कि पहले कॉक्स वन और कॉक्स टू कॉक्स वन एंड कॉक्स टू इनहिबिटर थी, फिर टू इनहिबिटर आ गई क्योंकि जैसे जैसे साइंस में नो हाउ बढ़ती गई, ठीक है, तो रिसर्च बढ़ती गई, आइडिया हुआ कि कॉक्स वन और कॉक्स टू ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजी पे भी इफेक्ट आ रहे हैं, तो जो इन्फ्लेमेशन में स्पेसिफिकली कॉक्स टू इन्वॉल्व है। फिर साइंस में रिसर्च हुई और रिसर्च रिसर्च में आपने ये पहुंचे कि कॉक्स टू इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व है, तो आपने कॉक्स टू ड्रग्स बना ली, ठीक है? अब कॉक्स टू जो है वो कॉक्स टू इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को टारगेट कर रहे हैं, तो एंड पॉइंट था। अगर आपने कॉक्स से पहले आपकी आपने जैसे पीजीई टू वगैरह को इनहिबिट टू को इनहिबिट किया, लेकिन आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई, आपने तो ये एंड पॉइंट को देख लिया, कॉक्स टू और प्रोस्टाग्लैंडिन स्टार्ट डिजीज कहाँ से हो रही है, वो आखिर जीन में अगर कोई कैंसर हो रहा है, जीन में म्यूटेशन हो रही है, म्यूटेशन कहाँ से हो रही है। यू हैव टू फाइंड द जो रूट कॉज है उसको, यू हैव टू फाइंड द रूट कॉज। अगर डिजीज होने ही ना दें, आप डिजीज को एंड स्टेज पे जाके ट्रीट कर रहे हैं, उससे बेहतर ये नहीं कि आप टारगेट बनाए जो रूट कॉज है, ठीक है, ताकि डिजीज को बिल्कुल अर्ली स्टेज पे ही आप उसे स्टॉप कर दें, ठीक है? तो इस तरह के आप प्रोटीन वगैरह, इस तरह के आप उस प्रोटीन को देखें जो रिस्पॉन्सिबल है, जैसे हमने कैंसर में ऑन पढ़े कि ऑनको जीन्स के लेवल्स बढ़ जाते हैं, ट्यूमर सप्रेसिव जीन के लेवल्स कम हो जाते हैं, तो आइडेंटिफाई कीजिए कि ऑनको के लेवल्स क्यों बढ़े, कौन सा ऑनको जीन है जो ट्यूमर सप्रेसर जीन को सप्रेस कर रहा है, तो कॉज ढूंढ, ठीक है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए और उसको सॉल्व करने के लिए अपना रिसर्च आइडिया जनरेट कीजिए। आप जैसे में मैंने आपको बताया एंड प्रोडक्ट कॉक्स टू वगैरह, अगर आप स्टार्ट से इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस देखें तो एनएफ कापा बी से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवे इन्फ्लेमेशन के, अगर आप उन सिग्नलिंग पाथवे को टारगेट करें तो उसको टारगेट करेंगे, मतलब मेजर रूट कॉज पे जा रहे हैं, तो आप वहां टारगेट कीजिए, ठीक है? आइडिया जनरेट होता है और मेनली आइडिया आपका जो जनरेट होगा वो रीडिंग से होगा। जैसे जिस फर्स्ट रीड करेंगे, फर्स्ट टाइम पेपर कुछ समझ नहीं आता, इनफैक्ट पेपर रीड करें तो उसका एब्स्ट्रैक्ट स्टार्ट में डोंट रीड द एब्स्ट्रैक्ट, पढ़ने से कुछ समझ नहीं आता, रीड द इंट्रोडक्शन पार्ट, रीड द मटेरियल एंड मेथड पार्ट, ठीक है? डिस्कशन लेवल का होता है वो आपको इतना जल्दी समझ नहीं आएगा। इंट्रोडक्शन मटेरियल मेथड पढ़े, एक बार पढ़े, दो सुपरवाइजर से डिस्कस करें, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है? तो आपका पहला साल कोर्स वर्क चला, आपने अपने सीनियर्स को ज्वाइन किया, क्या लैब में काम हो रहा है, किस तरह का काम हो रहा है, आपने पेपर्स रीडिंग की, आपको कुछ बेसिक्स आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी, आफ्टर ऑफ वन फर्स्ट ईयर वन ईयर देखिए आपका कोर्स वर्क कम्प्लीट हो जाएगा, आपको मार्कशीट मिलेगी, ठीक है? आपकी जीजीपीए मतलब जो है वो 3+ है, तो अब आपका रिसर्च वर्क का काम स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो जो सफर था साइंटिस्ट का, उसकी जो तैयारियां आपकी फार्मडी के बाद से स्टार्ट हुई थी, अब वो एग्जीक्यूट होने का वक्त आ गया है, ने एज अ साइंटिस्ट इस फील्ड में एंटर हो गए हैं। सबसे पहले यू हैव टू राइट द साइनॉप्सिस। साइनॉप्सिस आपका जो रिसर्च आइडिया है उसका एक रिटन फॉर्म है, साइनॉप्सिस इज द रिटन फॉर्म ऑफ योर रिसर्च आइडिया, ठीक है? अब सपोज मुझे मेरी मैडम ने मुझे एक हम केमिस्ट के साथ भी कोलेब्रेशन में होते थे, तो मेरी मैडम केमिस्ट कोलेब्रेटर थी, उन्होंने कंपाउंड प्लांट बताया कि उसके प्योर कंपाउंड, उन्होंने एक प्लांट है उसका एक पार्ट प्योर कंपाउंड से वो उन्होंने लिए हैं और उन्होंने मुझे कहा कि उस पे वो ट्रेडिशनली वो ड्रग यूज होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फ्लेमेशन एंड वेरियस इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, लेकिन साइंटिफिक उसे वो रिपोर्टेड, मतलब वो उसके जो कंपाउंड है वो रिपोर्टेड नहीं है, ठीक है? आपका टॉपिक ये वो होना चाहिए जो उस पर रेफरेंसेस प्रीवियसली काम तो हो, लेकिन एग्जैक्टली आप काम कॉपी पेस्ट करके परफॉर्म नहीं करना, उस काम का प्रीवियस रेफरेंस तो आपको मिले लेकिन उसकी आप एडवांस करें, ठीक है? आप जैसे मेरा प्लांट मेरा कंपाउंड थे ओपनचिया, तो उस पर ट्रेडिशनल टीम वगैरह उसे इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस की ट्रीटमेंट पे देते थे, लेकिन साइंटिफिकली कोई पेपर उस पर पब्लिश नहीं था, कोई रिपोर्टेड नहीं, बुक्स में ये मेंशन था कि 17th सेंचुरी से ये ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है फर्दर इन्फ्लेमेशन, ठीक है? तो हमने उस कंपाउंड का पहले मैंने क्या किया, पायलट स्टडी किया, उस प्योर कंपाउंड को जाके एनिमल पे जाके एंटी इन्फ्लेमेटरी ऐसे की, अपने सीनियर से एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी सीखी और कुछ डोजेस पे एक्टिविटी करके देखी और उसमें मेरे पास अच्छे रिजल्ट आए, मेरी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आया, ठीक है? आपके पास तो आपने मतलब मैंने एक पायलट स्टडी की जिसमें ये श्योर हो गई कि यस माई कंपाउंड हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी, फिर मैंने उस कंपाउंड को लिया, मतलब यह सारा क्लियर था मुझे करना क्या है,
लेकिन पहले ये भी तो चेक करना है, ऐसे तो नहीं कि मैं सानॉक्स से सबमिट करवा लूँ मेरा स्टार्ट हो जाए और मेरा कंपाउंड में एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी है ही नहीं. तो यू नीड टू डू द पायलट स्टडीज बिफोर ऑफ योर साइनॉक्सिस. सही है. मीन वाइल मैंने एक्टिविटी भी चेक की, एक डोज पे एंटी इंफ्लेमेटरी एडिमा इन्फ्लेमेशन रिड्यूस कर रहा था मेरा कंपाउंड, साथ में कंपेरिजन में एक रेफरेंस ड्रग लाइक डिक्लोफिनिक ड्रग भी ले ली, उसकी भी उसको भी चेक किया, एंटी इंफ्लेमेटरी है, रिपोर्टेड है, एनसाइड है, उसने भी एक्टिविटी शो की. मतलब आप प्रीटी श्योर जाते हैं कि कंपाउंड एंटी इंफ्लेमेटरी है. ठीक है, फिर आपका आप जो साइनॉप्सिस है वो आपका जो रिसर्च आइडिया है का एक रिटर्न फॉर्म है. तो साइनॉप्सिस में बेसिकली साइनॉप्सिस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स. टाइटल, आप अपनी जो रिसर्च स्टडी करते हो उसका एक स्पेसिफिक टाइटल बनाते हो. ठीक है, देन आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, देन लिटरेचर रिव्यू करते हो. जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी मैंने अपनी एवेल्यूएशन ऑफ एंटी एक्टिविटी ऑफ ओपनचिया डेलिनी जैसे मैंने अपने प्लांट का लिया. अब मैंने इन्फ्लेमेशन क्या है और ये प्लांट किस पर्पज यूज होता है, ये सब डिटेल्स इंट्रोडक्शन में दी. लिटरेचर रिव्यू में बताया कि इन्फ्लेमेशन ओपनचिया डेलिनी पे क्या क्या काम रिपोर्टेड अब तक हो चुका है उस प्लांट पे. ठीक है, फिर आपका जो हाइपोथेसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर साइनॉप्सिस. ठीक है, बेसिकली आपकी स्टडी डिजाइन का जो निचु हाइपोथेसिस है. ठीक है, तो आप क्वेश्चन क्या जनरेट कर रहे हो और उसको सॉल्व कैसे करोगे हाइपोथेसिस में वो बताते हो. उसके अलावा साइनॉप्सिस में मटेरियल एंड मेथड लिखते हो और साथ में रेफरेंसेस. ऑब्वियसली इस लेवल पे आपके पास रिजल्ट नहीं है, सिर्फ पायलट एक्सपेरिमेंट आपने करके मेक श्योर किया है कि यस योर कंपाउंड हैव दिस एक्टिविटी. ठीक है, और समटाइम्स होता है कि एक सीनियर ने अगर जहाँ पे अपना काम स्टॉप किया है उससे फर्दर एक्सटेंड करना चाहो तो फिर नेक्स्ट स्टूडेंट उस लेके आगे रिसर्च करता है तो उस पे रिजल्ट बेस होते हैं. लेकिन फिर आप उस काम में फर्स्ट को आगे किस किस पाथवे पे ले जा सकते हो उस पे आप स्टडी करते हो. ठीक है, तो बेसिकली रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ योर रिसर्च प्रॉब्लम. जैसे मैंने पेनक्रियास कैंसर की एग्जांपल की दी कि फोर्थ स्टेज डायग्नोस हो रहा है, तो आप ऐसा मार्कर मार्कर सर्च करें जो आपके फर्स्ट और सेकेंड स्टेज पे ही डायग्नोस करते हैं उनका को पेनक्रियास कैंसर है. तो आप टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ढूंढें उस रिसर्च प्रॉब्लम पर, पॉसिबल आउटकम ढूंढें. तो ये पॉसिबल सिर्फ इसी से कि रीड द पेपर्स पेपर्स रीड पेपर्स एंड मोर पेपर्स, और साथ में आपके पास कुछ एविडेंसेस भी होने चाहिए. ठीक है, और एन एजुकेटेड गेस ऑफ द रिसर्च आउटकम. ठीक है, अब जैसे मेरे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी, मैंने कहा कि मैंने अपने कंपाउंड की एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी देख ली, अब मुझे मुझे कंफर्म हो गया कि मेरा कंपाउंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी दे रहा है. अब सिर्फ दिस इज नॉट इनफ फॉर योर एम्फिलॉजी, आपने मैकेनिस्ट्रिक स्टडी करनी है कि बेसिकली ये कंपाउंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी कैसे दे रहा है. तो मैंने डिफरेंट पाथवेज लिखे हैं कि मैं कॉक्स पाथवे को भी देखूंगी, साइटोकाइंस को भी देखूंगी. ठीक है, सिग्नलिंग पाथवे, इन्फ्लेमेशन के जो सिग्नल पाथवे हैं, एनएफ कापा भी है, मैप काइनेस पाथवे, ईआर के पाथवे, ये सब मैंने रीड किया. फिर इनको मैंने डिजाइन किया और एक हाइपोथेसिस जनरेट किया कि हम इन मैकेनिज्म्स को देखेंगे और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे और इन मैकेनिज्म से और किसी जाहिर कोई एक एक मैकेनिज्म से तो शो कर ही रहा होगा काम. तो फिर बेसिकली उन मैकेनिज्म का हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक फाइनल सॉल्यूशन कंक्लूजन निकालेंगे कि इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी बाय विच पाथवे दैट कंपाउंड वाज एक्टिंग. ठीक है, ठीक है. तो आपका आपने फॉर्म डी किया, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी किए, आपने एमफिल पीएचडी में एडमिशन लेने का डिसाइड किया, आपका एडमिशन किया. ठीक है, आपने कोर्स वर्क अटेंड कर लिया, कोर्स वर्क किया, और उसमें कोर्स वर्क से भी बहुत आइडिया मिल जाता है रिसर्च आइडिया. आप डिफरेंट पेपर्स पढ़ते हो और सब टीचर्स से भी डिस्कस करते हो जो आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं. ठीक है, सो वहाँ से भी डिफरेंट आइडियाज आपको मिल जाते हैं. ठीक है, उसके बाद आपने अच्छे उसमें याद रखिए आपके जितने अच्छे मार्क्स एमफिल के कोर्स वर्क में आएंगे आपके स्कॉलरशिप के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे. दिस इज नॉट नेसेसरी दैट यू गेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन. आप जैसे एमफिल कम्प्लीटली आप बायर करें अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो कुछ डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक एचयूसी का इरसिप एक प्रोग्राम होता है जिसमें ड्यूरिंग पीएचडी आप 6 मंथ्स फॉरेन कंट्री जाते हो और 6 मंथ्स की ट्रेनिंग वहाँ से पीएचडी में 6 मंथ किसी फॉरेन कंट्री में जाके अपनी फी रिलेटेड कुछ ट्रेनिंग लेके आते हो. ठीक है, तो मतलब डिफरेंट आपको अपॉर्चुनिटीज टाइम टू टाइम मिलती हैं. अगर एमफिल में यू आर इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट एडमिशन इन द फॉरेन कंट्री और आपको नहीं मिली, आप यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी में ले लें और आप जिस स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करते रहें. एचयूसी का मैंने बताया 6 मंथ्स की के लिए एचयूसी आपको, आप जैसे मैं इन्फ्लेमेशन पे अगर काम कर पाए, किसी यूनिवर्सिटी में इन्फ्लेमेशन पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, मैं उस पर मैं अपने एमफिल के दौरान या पीएचडी के अपने पीएचडी के दौरान एडवाइजर को मैं अगर अपना इंटरेस्ट शो करूँ कि मैं वहाँ सपोज कैनेडा की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में जाके वहाँ इंटरेस्टेड, फिर आप उस वहाँ की यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर को जस्ट सेंड द ईमेल टू द सुपरवाइजर फॉरेन कंट्री के लाइक आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन योर लैब. पूरा एक उसमें अपनी डिटेल अपना सीवी वगैरह देनी पड़ती है. अगर वो अपना कंसेंट आपको देते हैं तो फिर आप एचईसी का जैसे इरसिप का प्रोग्राम है उसमें अप्लाई कर लें तो एचईसी
फिर अगर एचयूसी अगर आपको सेलेक्ट कर लिया इसी प्रोग्राम के लिए, तो फिर आपको पूरी फंड वगैरह ट्रैवलिंग और वहाँ के अकोमोडेशन वगैरह के लिए वो सब एचयूसी कवर करता है। तो फिर आप 6 मंथ्स की वहाँ चले जाती हो, वहाँ से 6 मंथ्स की ट्रेनिंग ले ली, फिर वापस आप अपने कंट्री में आ गए, फिर आगे आपने जो यहाँ पे जो रिसर्च करे पूरा कंप्लीट करते हुए फिर थीसिस वगैरह करते हो। तो डिफरेंट टाइम टू टाइम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आपको ऑफर होते हैं, ठीक है। समटाइम्स आपके इंस्टीट्यूट में बाहर से कुछ फैकल्टी मेंबर्स आते हैं, वो डिफरेंट प्रोग्राम्स में अगर आपका अगर वो आपके रिसर्च प्लान को से इंस्पायर हुए तो वो भी आपको ऑफर, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज टाइम टू टाइम मिलती हैं। और जैसे वंस यू इन्वॉल्व इन द इन दिस फील्ड, तो आपके पास रास्ते खोलते जाते हैं। जितना रीड करोगे, जितना इन्वॉल्व होगे रिसर्च में, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब आपका एक्सपेरिमेंट, अब आपने अपना साइनॉप्सिस सबमिट करवा लिया, ठीक है। साइनॉप्सिस के BSR वगैरह से अप्रूव्ड होता है, ठीक है। अप्रूव होने के बाद आपका नाउ योर साइनॉप्सिस इज अप्रूव्ड। अब आपने बेंच वर्क स्टार्ट किया। बेंच वर्क मीन्स एक्सपेरिमेंटल वर्क। एक्सपेरिमेंटल वर्क आप अपना स्टार्ट करोगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल आपने अपने साइनॉप्सिस में जो एक्सपेरिमेंटल वर्क लिखा है वो आप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। बेसिकली फार्माकोलॉजी में हम कॉम्बी करते हैं इन वीवो एज वेल एज इन विट्रो, ठीक है। इन वीवो इज द ऑब्वियसली आपने एनिमल पे स्टडी इन विट्रो, आप आउटसाइड द सेल आउटसाइड द बॉडी, मतलब आप बैटरी प्लेट अंदर और द टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट करते हो, या सेल कल्चर वगैरह, उसको अभी हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इन वीवो स्टडीज के लिए रेट और द माइस और द गिनी पिग और द रैबिट आप करते हैं, ठीक है। जेब्रा फिश पे भी बहुत ज्यादा स्टडी आप की जा रही है। जेब्रा फिश बेसिकली यूज करने का पर्पज क्या है, इसका जेनेटिक मटीरियल ऑलमोस्ट 70% ह्यूमन बॉडी से मैच होता है, ठीक है। सो आप इससे अक्सर जेब्रा पे भी काम हो रहा है, लेकिन इन एनिमल्स को लाइक रोडेंट्स को यूज करना इजी होता है, ठीक है। ये जैसे आप ड्रग, दिस इज द ये ओरल रूट से कबाच नीडल के थ्रू आपने ड्रग दे दी, फिर उसका आप जो भी इफेक्ट डिटरमिन है उस एंटी इंफ्लेमेटरी ऐसे कर रहे हैं, तो वो आपने इस तरह परफॉर्म करेंगे, ठीक है। आप जैसे पोज करें, डिफरेंट आपके पास एनिमल मॉडल्स हैं, दिस इज द प्लेथिस्मोमीटर। आप रेड को आपने अपने कंपाउंड है जो कहा कि अपने साइनोप्सिस में कि इट मे हैव द एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी, आपने उसके डिफरेंट डोजेस आपने देने होते हैं इधर बाय द ओरल अदर रूट, लेकिन मोस्ट कन्वीनियंट ओरल होता है, और तो ओरल रूट की तरफ ही मोस्टली प्रिफर किया जाता है, ठीक है। फिर आपने इन्फ्लेमेशन इंड्यूस इंड्यूस करेंगे बाय यूजिंग सम स्पेसिफिक केमिकल, ठीक है। तो ये थर्मामीटर है, इसके थ्रू आप एंटी इंफ्लेमेटरी ऐसे करते हैं। दिस इज द मॉरिस वाटर, इसमें आप बेसिकली आप क्या करते हैं कि एनिमल ये मॉरिस वाटर, इसमें आप वाटर फिल करते हो, इसमें कोई ब्लैक इंक या कुछ उसे कलर्ट कर देती हो उस वाटर उस सॉल्यूशन को, ठीक है। और उसमें ये दिस इज द प्लेटफॉर्म, पहले आप एनिमल इसमें ट्रेनिंग दिलवाते हो, एनिमल इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पे स्विम करते हुए इस प्लेटफॉर्म को सर्च करेगा और आप नोट करें ये कितनी देर में सर्च कर रहा है, ठीक है। अब अगर आप एक एजेड माइस लेते हैं और उसकी मेमोरी ऑब्वियसली आप उसे ऐसा केमिकल दे रहे हैं जिससे उसकी लॉस ऑफ मेमोरी या उसके जो सिनेप्सिस कनेक्शन है वो अफेक्टेड हुए, तो उसकी मेमोरी अगर कम हो जाएगी तो आप उसको इस यहाँ पे मॉरिस वाटर में यहाँ पे तो उसको प्लेटफॉर्म बड़ी डिफिकल्टी से मिलेगा, ठीक है। सो उसका उसके मेमोरी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स आप यहाँ पे कर सकते हो। इसी तरह अगर कोई कंपाउंड है जो उसका जो मेमोरी एनहांसर है, तो उसमें फिर आप उसकी मेमोरी अगर एजेड माइस का कोई मेमोरी एनहांसर कंपाउंड देते हो, लाइक अगर आमंड्स कहते हैं कि लेन खानी चाहिए, तो अगर आप उस तरह उस एनिमल को यहाँ पे आप प्लेस करते हो, फिर देखते हो कि वो अपना प्लेटफॉर्म कितनी देर में सर्च करते हुए इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच रहा है, तो इस तरह मेमोरी रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स आप मॉरिस वाटर के थ्रू कर सकते हो। दिस इज एलिवेटेड प्लस मीन्स इसमें आपने एंजाइटी लेवल होता है, ये एनर्जेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए हॉट प्लेट, दिस इज द FST, ये डिप्रेशन से रिलेटेड एनिमल मॉडल है। वैरायटी ऑफ द आपके पास एनिमल मॉडल्स होते हैं जिसमें आप अपने एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हो, प्लान परफॉर्म करते हो, ठीक है। एट द एंड आप उसमें आप स्पेसिफिक ऑर्गन को, लाइक अगर आपने इन्फ्लेमेशन पॉ में किए तो आप पॉ को कलेक्ट करके उसे फर्दर इन विट्रो स्टडीज की तरफ प्रोसीड करोगे। अगर आपने ब्रेन से रिलेटेड स्टडी की है तो आप उसका कलेक्ट करोगे। अगर लाइक आपने अल्सर या GI से रिलेटेड डिजीज इंड्यूस की है और उस पर स्टडी कर रहे हो, तो आप उसका पेरिटोनियल कैविटी से कोई ऑर्गन वगैरह लेके उसे फर्दर प्रोसीड करोगे स्टडी को, ठीक है। तो दिस इज इन विवो स्टडीज, उसके बाद आप अपनी स्टडीज को फर्दर प्रोसीड करेंगे टूवर्ड्स द इन विट्रो ऐसे, ठीक है। इन विट्रो से बेसिकली अब आपने जो एनिमल से सपोज अपना कोई सैंपल ब्रेन ले लिया, ब्रेन ब्रेन को अब आप फर्दर HPLC के थ्रू आप उसके सेरोटोनिन और डोपामिन वगैरह के लेवल्स, डिप्रेशन सपोज करें, या आपने FSD किया है डिप्रेशन के लिए, ठीक है। आपने अपना कंपाउंड एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी आपने मालूम कर ली, ठीक है। फिर आपने उसका ब्रेन कलेक्ट कर लिया और सेरोटोनिन के लेवल्स को
कर रहे हैं वाया द एचपीएलसी, तो आप अब इन विट्रो स्टडी करेंगे, आप ब्रेन को होमोजेनाइज करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, फिर उस सैंपल को आप एचपीएलसी में प्लेस करोगे, फिर डिफरेंट मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हुए इन विट्रो एक्सपेरिमेंट्स करोगे, आप चेक करोगे कि इधर सेरोटोनिन की, अगर डिप्रेशन का जो एनिमल था जिसमें सिर्फ डिप्रेशन इंड्यूस किया था उसमें सेरोटोनिन लेवल्स कम थे, आपने अपना कंपाउंड में, आपके कंपाउंड में मे बी एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी हो, तो अगर आपका वाले आपने एनिमल के ब्रेन को लिया और उसके एचपीएलसी पे लेवल्स डिटरमिन किए और सेरोटोनिन के लेवल एनहांस, का मतलब आपका कंपाउंड में एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी और वो सेरोटोनिन के लेवल्स को एनहांस कर रहा है, लाइक अगर आप फ्लॉक्सिटा साथ में एक रेफरेंस ड्रग ले लें, तो इस तरह आप इन वीवो से प्रोसीड करके फर्दर इन विट्रो स्टडीज, इसी तरह डिफरेंट मॉलिक्यूलर लेवल पे भी बेस्ड स्टडी होती है, लाइक इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स वगैरह डिटेक्ट करना, मालूम के आप मॉलिक्यूलर लेवल पे डीएनए लेवल पे स्टडी करोगे, तो डिफरेंट आपके पास टेक्निक्स है, ठीक है, है आपके पास फ्लो साइटोमीटर है, पैच क्लैम है, ठीक है, तो वो बहुत टेक्निक्स तो आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च में आप साथ साथ अपने सीनियर्स के साथ साथ लैब में जाके सीखते हैं और साथ साथ परफॉर्म करते हैं, तो ये डेली रूटीन का काम यही होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत इजीली सब आ जाता है, ठीक है। इसी तरह लाइजर रीडर है, दीज आर द पाइपेट्स, आप अपने लैब में पाइपेट्स यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपने रिसर्च में क्योंकि हम स्मॉलर वॉल्यूम्स भी यूज कर रहे हैं, दीज आर द माइक्रो पाइपेट्स, मैं अपने जो पहला साल मेरा था मैं उसमें अपनी जो कोर्स वर्क के साथ साथ प्रैक्टिस करती थी, सीनियर्स के साथ रहती थी, उनके परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, तो मैं इस तरह के माइक्रो पाइपेट्स है, पाइपेटिंग करना, पाइपेटिंग करना और प्लेट में सॉल्यूशन कैसे पाइपेट इन पाइपेट आउट करें, ये सब भी मैंने प्रैक्टिस ड्यूरिंग माय फर्स्ट ईयर कोर्स वर्क के दौरान कर ली थी, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह आप यूज करते हुए अपने मैकेनिस्टिक स्टडीज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये बात याद रखिए कि हर एक्टिविटी को कंप्लीट करके उसका आप, जैसे अगर आप एक एक्टिविटी ये वाली सपोज आपने ये एंटी डिप्रेसेंट के लिए, तो आपका जो भी डेटा है एट द एंड ऑफ दिस, आपने जिसका आपने अपनी एक्टिविटी ये कंप्लीट कर लिया, करें मुझे एंटी डिप्रेसेंट के अलावा एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी भी करनी है सपोज, ठीक है। तो ऐसे ना करें कि कम से ये आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो इमीडिएटली आपने ये स्टडी स्टार्ट की, नो, इस एक्टिविटी के कंप्लीट होने के सारे डेटा को कंपाइल कीजिए प्रॉपर कंप्यूटर पे, फिर एक वन वीक और टू वीक बैठ के अपना राइट योर मेथड, जो भी आपका रिजल्ट आपका डेटा आया है उसे एक्सेल शीट पे लिखिए, उसका एसपीएसएस कीजिए, एक एक्टिविटी का डेटा पूरा कंप्यूटर में एंटर कीजिए, देन स्टार्ट योर नेक्स्ट एक्टिविटी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पांच पांच साल तक कंटिन्यू करते 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 और जब थीसिस राइटिंग का टाइम आता है तो उनके पास चीजें इतनी फॉर्म में होती हैं, उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट तो आपके हो, लेकिन आपका टाइम टाइम सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपका प्रॉपर ड्यूरेशन जो है आपका एमफिल और पीएचडी, ऐसे ना हो कि आप, कुछ लोग इतने लेजी लाइक होते हैं कि आठ आठ नौ नौ साल तक, तो उसमें आपकी अपनी गलतियां होती हैं, ठीक है। आप टाइमली हर चीज को मैनेज करें, आप एक्सपेरिमेंट करें, उनका राइटअप साथ साथ लिखते जाएगा, साथ साथ नहीं कर रहे तो एट द एंड ऑफ योर दैट स्पेसिफिक एक्टिविटी राइट द मटेरियल एंड मेथड जो आप आया है उसे एक्सेल शीट पे नोट कीजिए, उसका एसपीएसएस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस साथ साथ कीजिए, तो चीजों का अगर आप मैनेज करेंगे तो आपका एमफिल और पीएचडी बहुत एक्यूरेट, जो स्पेसिफिक लाइक जो ड्यूरेशन होता है कि टू ईयर्स में एमफिल या 2.5 ईयर्स में एमफिल हो जाए, तो वो एग्जैक्ट टाइम पे होता है इफ यू आर मेंटेनिंग योर डेटा साइड बाई साइड, ठीक है। पूरा एक्टिविटीज कर ली उसके बाद आप बैठ के डेटा लिखेंगे, डेटा ढूंढेंगे, मटेरियल एंड मेथड कौन सा केमिकल का कैटलॉग नंबर क्या था, तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। पैरेलल साथ साथ में आपने बाकायदा जैसे एक्सपेरिमेंट शुरू किए मैं साथ साथ कौन सा केमिकल लिया उसका कैटलॉग नंबर क्या था उसकी कंपनी क्या थी वो सब अपनी नोटबुक पे लिखती जाती थी, फिर एट द एंड ऑफ अपने सारे डेटा को कंप्यूटर में ऐड किया, मटेरियल मेथड लिखा, एसपीएसएस किया, तो साथ साथ मेरा थीसिस का काम रहा, तो डेटा मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। वरना आपकी वरना आपका अगर आपको मेंटेन साथ नहीं करोगे, मुझे याद है मेरे सीनियर्स कोई मतलब किसी एक को मैंने देखा था पांच साल के बाद वो अपना डेटा ढूंढ रहे थे कि मैं कंप्यूटर पे डालूं तो स्टैट्स करूं, आप खुद आप सोचिए पांच साल के बाद डेटा ढूंढना कि आपने कौन सी नोटबुक पे लिखा कौन से पेपर पे लिखा था वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ठीक है। सो अगर आप हर स्टेप बाय स्टेप अपने मेंटेन करते हुए चलेंगे तो आपका एमफिल और पीएचडी का सफर बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अपने ट्रैक सही रखिए, ठीक है, अपने लेवल आप ऑल्दो रिजल्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम होता है, अक्सर रिजल्ट एमपी में एक्सपेरिमेंट्स के नहीं आते, फिर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, मेरे पास भी एचपीएलसी के मैंने वन ईयर तक एक्सपेरिमेंट्स किए मेरे पास रिजल्ट नहीं आया, ऐसा ही चलता है ना, अदर टेक्निक फिर उसके रिजल्ट आए, तो कुछ टफ टाइम भी होता है, ठीक है, लेकिन उससे भी आपको ट्रबल शूट में बहुत ज्यादा लर्निंग आता है, ठीक है। ओके, एनी क्वेरी, कोई मेंटेनेंस तक भी हमारा जो साइंटिफिक सफर है वो
डेटा तक आ गया, एक्सपेरिमेंट आपके कर हो गए। यस मैम, वन क्वेश्चन, हाउ डज द रिसर्च ड्यूरिंग आवर ग्रेजुएशन पीरियड प्ले रोल फॉर एडमिशन एमफिल? यस ओके, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो अपने जैसे मैं थी, मैं एमफिल में जब मेरा एडमिशन हुआ, मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस जीरो था, ठीक है। मुझे ये भी नहीं पता सिनॉप्सिस क्या होता है, रिसर्च प्लान कैसे बनाते हैं, पब्लिकेशन क्या होता है, कुछ भी नहीं। आप ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन पीरियड, ठीक है, यू आर डूइंग रिसर्च, इफ यू आर आप डिफरेंट पोस्ट पर, मैंने अक्सर देखा है ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, फार्मडी के स्टूडेंट डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स में, आपका पब्लिकेशन का भी एक्सपीरियंस कुछ स्टूडेंट्स का हो जाता है, तो द टाइम ऑफ योर एडमिशन ये प्लस पॉइंट होते हैं, ठीक है। अगर आपकी एक पब्लिकेशन है तो ये आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा, आपके एडमिशन के चांसेस और इंक्रीज हो जाते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जैसे ICCPS में एडमिशन लेते हैं तो दे यू टू प्रेजेंट योर कोई रिसर्च प्रपोजल लिख के दें। अब अगर मैं बिल्कुल फ्रेशली फाइल करके एमफिल ICCPS में जाके एडमिशन ले रही हूँ और मुझे कहें कि रिसर्च प्रपोजल लिख के दो, तो ऑब्वियसली मुझे कुछ नहीं है। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स हैं वो फार्म डी, ड्यूरिंग योर फार्म डी स्टडीज अगर आप रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, तो आपको कुछ डिजाइन करना, कुछ प्लान करना, आपको रिसर्च प्रपोजल डिजाइन करना आपको आता होगा। आपका हाइपोथेसिस, अच्छा स्टूडेंट फ्रॉम हाइपोथेसिस के साथ आके डिस्कस करते हैं कि मैम ये ड्रग का ये एडवर्स इफेक्ट है, अगर हम इसको थेरेप्यूटिक पर्पस के जाएं, मतलब वो उस एक क्वेश्चन डेवलप करके उसको पॉसिबल आउटकम उसका देने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर आप में ये क्वालिटी आ गई है तो रिसर्च प्रपोजल बनाना आपके लिए बहुत ईजी है, ठीक है। तो आपके समझे कॉन्सेप्ट के लिए करना क्या है, तो जैसे ICCPS में आपको एक साइनोप्सिस रिसर्च प्रपोजल लिख के एडमिशन के बाद टेस्ट के बाद सबमिट कराना, समटाइम्स होता है रिसर्च ICCPS में टेस्ट के बाद एक कहते हैं कि रिसर्च प्रपोजल लिख देते हैं वहीं पे। तो अगर आपका एक बैकग्राउंड ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन आपने कुछ किया हुआ है, तो आप उसके बेसिस पे आप बड़ा अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल लिख दें, ठीक है। सो दिस इज द प्लस पॉइंट कि अगर आपका एक्सपोजर हुआ है ड्यूरिंग योर फार्मडी स्टडी, अगर आपके पब्लिक है तो वो पे प्लस पॉइंट में होता है और आपके पॉइंट्स इंक्रीज हो जाते हैं फॉर द एडमिशन, ओके। One more question, ma'am, explain ex vivo study. अच्छा, ex vivo में ये होता है, आपने like in vivo study की, ठीक है, हमने in vivo discuss, in vitro किया, in vivo से आपने सैंपल निकाला, ठीक है, आपने कोई सैंपल निकाला, उसको डिफरेंट इन विट्रो टेक्निक से sometimes आप ये होता है री एडमिनिस्टर भी करते हो, ठीक है, एक्स वीवो होता है, इन होता है, डिफरेंट आपके पास टेक्निक्स आ जाती हैं, ठीक है, डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं। तो आप समटाइम्स सेल्स कलेक्ट करते हो, उसे इन विट्रो उनको डिफरेंट एनवायरनमेंट से एक्सपोज करते हो कि डिफरेंट, और एनिमल की बॉडी में री एडमिनिस्टर करते हो, दिस इज द एक्स वीवो, ठीक है। इसी तरह इन सूचो भी होता है, इसी तरह आप, अच्छा एक होता है कंप्यूटर, इन सूचों के अलावा कुछ कंप्यूटेशनल स्टडीज भी होती हैं, लेकिन वो अभी बहुत ज्यादा एक डिफरेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने यहाँ पे कंप्यूटेशनल स्टडीज पे कवर नहीं किया, ठीक है। मैम प्लीज आल्सो गाइड अबाउट प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग फॉर पोस्टर्स। अच्छा पोस्टर्स के लिए बेटा ये है कि अगर आपने कोई रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स आए कहने लगे मैम हम इस कंपाउंडिटीज के लिए बड़ा इफेक्टिव है, वी आर इंटरेस्टेड टू डू रिसर्च इन द डायबिटीज, ठीक है, तो आपने रैट में इंड्यूस की, ठीक है, आपने रैट में डायबिटीज इंड्यूस की, फिर आपने अपना कंपाउंड दिया, उसका फिर एसिपिक इफेक्ट आपने उसका नोट किया, ठीक है, तो आपने उस अपने एंटायर रिसर्च को प्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ द पोस्टर, ठीक है। तो पोस्टर में विनिंग पोस्टर की कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें होती हैं कि आपका पोस्टर में वर्ड्स कम हो और उसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो, ठीक है, मटेरियल एंड मेथड को आपने ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट आपने डिफरेंट पिक्चर्स कैप्चर किए और उस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में पोस्टर को प्रेजेंट किया, ठीक है, फिर आपने उसके रिजल्ट को ग्राफ की फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो आपने अपने उसी रिसर्च फॉर्म रिसर्च को पोस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट किया, तो ये आपका था वो रिसर्च वर्क जो आपने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट और उसको पोस्टर में प्रेजेंट किया, ठीक है। अच्छा मेरे पास जैसे एक बार सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स थे वो आए, तो टाइम कम था, बस पोस्टर के लिए एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करवाने की लास्ट डेट्स थी, तो अब सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए एटलीस्ट यू नीड वन और टू मंथ्स टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट एंड, तो सारे एक से दो महीने इतना तो टाइम हमारे पास था ही नहीं, तो उस टाइम पे आप ऐसे मौके पे क्या कर सकते हैं, रिव्यू आर्टिकल उठाएं और रिव्यू आर्टिकल से कोई पोस्टर बनाएं, ठीक है। रिव्यू आर्टिकल क्या होता है, किसी और का, जैसे इन्फ्लेमेशन पे आज तक व्हाट इज इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन पे आज तक क्या काम हो चुका है, कौन कौन से पाथवेज हैं, क्या हो रहा है और इन फ्यूचर उस पर हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जिसे हम और एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो आप रिव्यू आर्टिकल से भी पोस्टर बना सकते हैं। जैसे एक बार मेरे पास स्टूडेंट आए थे, वो न्यूरो से रिलेटेड था, तो हमने ब्रेन एंड बॉडी
कनेक्शन पे एक रिव्यू कुछ रिव्यू आर्टिकल सर्च किए कि ब्रेन और बॉडी का क्या कनेक्शन है, अगर कोई डिजीज होती है तो उसका ब्रेन पे पॉजिटिव पे पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग पे क्या असर हो सकता है. तो हमने उसका एक पोस्टर बनाया. ऑल्दो बड़ा डिफिकल्ट उस वक्त हमें लगा, लेकिन हमने और ज्यादातर हमने पिक्टोरियल फॉर्म में बनाया और उसका बड़ा अच्छा सा उसका कंक्लूजन उसका हमने फाइनली निकाला कि आपके क्या हुआ कि ये इतना अट्रैक्टिव बन गया कि ने विन किया, फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन मिली. तो आप रिव्यू आर्टिकल से भी पोस्टर बना सकते हो, लेकिन उसको बड़ा ट्रिकी बनाना पड़ता है. और पोस्टर तो बेशुमार होते हैं, आप चले जाएं किसी भी पोस्टर कंपटीशन में, 200-300 कंपटीशन में पार्टिसिपेंट्स होंगे. विनिंग पोस्टर वही होता है जिसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो और वर्ड्स कम हो, और आप एक एंड में ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट दें जिसमें हर चीज ग्राफिकल फॉर्म में आप बताएं. Another question, ma'am. अगर एक्सपोजर नहीं है रिसर्च में तो ICCBS में एडमिशन के चांसेस कम होते हैं? Yes, sometimes the MPhil or the PhD ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये भी आता है कि ड्यूरिंग उनकी स्टडी के दौरान उसी एग्जैक्टली सेम चीज पे पेपर पब्लिश हो जाए. ये फियर हमेशा एक रिसर्च स्कॉलर के दिल में रहता है कि कहीं मैं जो काम कर रहा हूँ ये पब्लिश ना हो जाए. ठीक है, तो इसलिए अपना काम दूसरों से मतलब सिर्फ अपने लैब फेलो से ही डिस्कस करें. जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में इतना ज्यादा जिस तरह रिसर्च हो रही है, मे भी कोई और इस तरह का काम पब्लिश कर लेता है. ये इसमें आप अल्टरनेट निकाल सकते हैं. ठीक है, अगर आप स्ट्रांग आपकी रीडिंग पेपर से बहुत पेपर रीडिंग कर रहे हैं तो रिसर्च आर्टिकल्स रीड करें, तो आप उसी के से एक ऑल्टरनेट रास्ता यू. अक्सर स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि एमफिल के मैम रिजल्ट्स नहीं आ रहे, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, सोच रही हूँ साइनऑप्सिस चेंज करूँ, मैं सोच रही हूँ सुपरवाइजर चेंज ऑफ सुपरवाइजर करूँ. ठीक है, तो अगर आपका रिजल्ट आ रहे तो आप स्विच भी कर सकते हैं. अब जैसे मेरा साइनऑप्सिस, आप साइनऑप्सिस हमेशा आप अपने एंड से उतना ही साइनऑप्सिस बनाओगे, जाहिर यू आर न्यू इन दिस फील्ड. ठीक है, तो आप एक लिमिटेड हद तक ही एक साइनऑप्सिस बनाएगा टाइटल, लेकिन ऑब्वियसली आपका एक जो सुपरवाइजर बैठा है वो जाहिर एक्सपीरियंस है, तो वो आपके टॉपिक को जो टाइटल है उसको और आपके साइनऑप्सिस को वास्ट करवा देता है. अगर मैं अपने कंपाउंड का लिख दूँ, मैंने कहा कि मेरे पास पायलट स्टडी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आया. ठीक है, और मैं लिख दूँ कि टू इवेल्युएट एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी ऑफ एक्स वाई जेड कंपाउंड वाया कॉक्स पाथवे, और सपोज करें कॉक्स पाथवे से मेरा कंपाउंड काम नहीं कर रहा, तो ये तो समझे मैंने जो साइनऑप्सिस था वो तो मेरे पास आया ही नहीं. तो बेहतर होता है कि आप मल्टीपल ऑप्शंस लिख लें. इस चीज में आपका सुपरवाइजर आपको गाइड कर सकता है, और साथ में जो को सुपरवाइजर है या आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको गाइड करते हैं. तो इस तरह आप मतलब एक बहुत ही ज्यादा लिमिटेड, इतना कन्फाइंड ना लिखो, स्पेसिफिक ना लिखो कि फंस जाओ, और इतना जनरलाइज भी ना लिखो टाइटल कि उसमें भी फंस जाओ. ठीक है, तो वो फिर सुपरवाइजर को देके एक स्टडी इस तरह सेट करवा देते हैं. और समटाइम्स ये होता है कि स्विच क्वेश्चंस भी आते हैं, तो अगर आप सपोज करें आपने कॉक्स टू लिख लिया साइनऑप्सिस में और साइनऑप्सिस अप्रूव हो गया आपके साथ, आपने कॉक्स टू किया और नेगेटिव आपके कंपाउंड कॉक्स टू के थ्रू एक्ट नहीं कर रहा, तो आप नॉर्म आप मेंशन करते कॉक्स टू के थ्रू आपके रिजल्ट नहीं आए, आपने साइटोकाइंस TNF अल्फा पे भी काम किया, आपने फर्दर NF कापा बी पे किया, आपने मैप काइनेज पे किया, आपने जेंक पाथवे पे काम किया, तो फिर आप लिख लें कॉक्स टू में नेगेटिव, वी गॉट द नेगेटिव रिजल्ट्स. फिर आपने डिफरेंट पाथवेज को एक्सप्लोर किया और आपका कंपाउंड लाइक TNF अल्फा के थ्रू काम कर रहा है, ROS के थ्रू रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को इनहिबिट कर रहा है, तो रास्ते रिसर्च में खुद ही निकले हैं. ठीक है, बस पेपर रीडिंग पेपर पढ़ते रहे और ऑल्टरनेट रास्ते ढूंढे, टेक्निक देखें, अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज देखें. अलाइजा अगर आपके इंस्टीट्यूट में है, अलाइजा रीडर है, आपके पास किट्स हैं, तो खुद तलाश कीजिए कि अगर मैं इसमें रिजल्ट नहीं आया मैं इधर शिफ्ट हो जाऊँ. ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन आयशा. मैम, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बेस्ट रिसर्च प्रोजेक्ट? जैसे आपका साइनॉप्सिस अप्रूव आपने सबमिट करवाया, साइनॉप्सिस अप्रूव होने में कुछ टाइम लगता है, लाइक 2.5 इयर्स में अगर एक एमफिल कंप्लीट हो जाता है, तो आपका टाइम हमारे वक्त में यह कि कोई लिमिट कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं थी, जिसका जितना दिल चाहे लंबा कीजिए, 5 साल 6 साल 7 साल PhD में. लेकिन अब यूनिवर्सिटीज में कुछ रेस्ट्रिक्शंस रखती हैं. ठीक है, लाइक एमफिल आपको साइनऑप्सिस 1 ईयर साइनऑप्सिस अगर आपका अप्रूव हुआ है, तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1 साल के बाद आप साइनऑप्सिस थीसिस सबमिट करवा सकते हैं. ठीक है, साइनऑप्सिस के ठीक 1 साल बाद, लाइक अगर आज आपका साइनऑप्सिस अप्रूव हुआ है, तो उसके आफ्टर 1 ईयर आप अपना थीसिस सबमिट करवा सकते हैं. ठीक है, इसी तरह PhD में एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं, लेकिन 2 या 2.5 इस तरह है.
तो और अब जो स्टूडेंट्स हैं इनफैक्ट इन द सीबीएस और इन द अदर इंस्टीट्यूट्स वो बड़ा टाइमली काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप हर चीज़ को देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है आने में केमिकल ऑर्डरिंग, साइनोप्सिस जब लिख रहे हो ड्यूरिंग दैट टाइम जस्ट ऑर्डर योर केमिकल्स, और आने में 3-3 महीने लगते हैं बिकॉज ऑफ द कोविड, शिपमेंट स्लो है तो केमिकल्स और टाइम लेते हैं आने में, तो टाइमली अपने एक एक्टिविटी कर रहे हो नेक्स्ट एक्टिविटी के केमिकल्स ऑर्डर कर लो, साथ साथ पेपर राइटिंग आप डेटा को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हो, हर चीज मेंटेन कर रहे हो, तो टाइमली 2.5 ईयर्स में 2 ईयर्स में एमफिल और पीएचडी 3 ईयर्स में आराम से हो सकता है, ठीक है, अगर कोई और बैरियर आपके सफर में ना आए तो। कंप्लीट हो गया, आपने साथ साथ मटेरियल एंड मेथड पैरेलल राइटअप करते रहे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते रहे, इसका मतलब जब आपने थीसिस राइटिंग स्टार्ट किया तो आपका मटेरियल एंड मेथड एंड रिजल्ट एक रफ ड्राफ्ट आपके पास रेडी है, जब एक चीज एक रफ ड्राफ्ट में आपके पास आ जाए तो उसको फिर फाइनल फॉर्म में लाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो मेरा जैसे मैं साथ साथ लिखती जाती थी और इनफैक्ट मैं स्टैटिस्टिकल करके टेबल्स पे टेबल 1 टेबल 2 करके अपने सारा टेबल्स पे रेडी कर लेती थी, तो मेरा एट द टाइम ऑफ राइटिंग जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे मटीरियल एंड मेथड और रिजल्ट पोर्शन का एक रफ ड्राफ्ट रेडी था। हार्डली अगर आप लग के फुल कॉन्सेंट्रेट होके फुली कॉन्सेंट्रेट होके थीसिस राइटिंग करें तो मंथ्स में आपका थीसिस रेडी हो जाता है, और थीसिस राइटिंग इज वेरी डिफिकल्ट और क्रूशियल पार्ट ऑफ योर वर्क, ठीक है, क्योंकि बेंच वर्क में आप एक्टिव रहते हो, लैब में जाते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी मिलकर एक्सपेयर रहे होते हो, थीसिस राइटिंग में बहुत कॉन्सेंट्रेट होके बहुत आइसोलेटेड होके फोकस्ड होके आपने काम करना, मतलब फोकस 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 कॉन्सेंट्रेट होके थीसिस राइटअप करना होता है, तो ये रिसर्च का बहुत डिफिकल्ट पार्ट होता है। स्टूडेंट्स का राइटअप वीक होता है, उनको और प्रॉब्लम आती है शुरू में, ये जो इस तरह का हाल है यही हाल होता है, आता क्या चीज इंट्रोडक्शन में लिखें क्या डिस्कशन में लिखें, लेकिन सुपरवाइजर की गाइडेंस अच्छी हो तो आहिस्ता आहिस्ता अच्छा सा थीसिस आपका रेडी हो जाता है। हाँ ऑल्दो ये जर्नी साइंटिस्ट की जो जर्नी है, अब आपके अंडरस्टैंड लेवल तक आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी से बन जाती है, अगर जैसे किसी का रिसर्च प्रपोजल में सारे नेगेटिव रिजल्ट आया, ऑल्टरनेट मेरा एचपीएलसी के रिजल्ट मैंने एक साल तक किए ड्यूरिंग माय पीएचडी, एक साल तक प्रोस्टाग्लैंडिन ईजी2 में माइस के ईयर्स को होमोजेनाइज करके उस सैंपल को लेके एचपीएलसी के थ्रू डिटेक्ट करती थी, मेरा एचपीएलसी2 के लेवल्स डिटेक्ट ही नहीं होते थे, कंट्रोल में भी नहीं ट्रीटेड में भी नहीं, एक साल तक मैं डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो मतलब डिफरेंट मेथडोलॉजीज चेंज करती रही, ये करके देखा ये करके देखा नहीं आया मेरे रिजल्ट, सिर्फ ये नहीं, और ये नहीं है कि मैंने उस साल में वेस्ट किया, उसके साथ मैंने और भी एनर्जेटिक एक्टिविटीज भी साथ साथ की, लेकिन मुझे जीरो रिजल्ट्स आए, तो फिर मैंने क्या किया साथ साथ स्टडीज की और मैंने इसका अल्टरनेट अलाइजा के थ्रू देखा कि अगर मैं पीजी2 के लेवल्स को वाया अलाइजा डिटरमिन करूँ, तो फिर मैंने मतलब पूरे 12 मंथ्स के बाद मैंने मैडम को से डिस्कस किया, कन्विंस किया अलाइजा की टेक्निक और इसकी किट वगैरह थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है, एक एक किट आपकी 1.5 लाख तक आती है, तो वो मैंने फिर अरेंज की, वो हमने ऑर्डर किया, उस पे मेरे लेवल्स आ गए और मेरे पास एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट भी वाया पीजी2 ही आ रहे थे, इतना ये भी हो गया, ठीक है। सो आपके पास अल्टरनेट रास्ते होते हैं, अगर आप रीडिंग स्ट्रॉन्ग करें, बार आर्टिकल पढ़ें, अल्टरनेट रास्ते देखें, तो खुद ब खुद रास्ते निकल आते हैं, बस ये होता है कि फोकस्ड, ठीक है, फोकस अच्छा, तो समटाइम्स फिर सुपरवाइजर की अवेलेबिलिटी, ये सारे भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका सुपरवाइजर आपको टाइम नहीं दे पा रहा या आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो दीज आर द रीजंस जिनकी वजह से योर थीसिस में टेक मोर टाइम, ठीक है। और इस तरह का हाल पीएचडी स्टूडेंट्स ऑन वेकेशन, इस तरह का हाल हर होता है, ऐसा मेरा भी हाल था, ये हाल सब पे होता है और ये इंडिकेट करता है कि बस अब आपका थीसिस अब पीएचडी बस एंड पे है, ठीक है। अच्छा थीसिस लिख लेके आप इतने एग्जॉस्ट हो जाते हो, इतने एग्जॉस्ट आपको कुछ समझ नहीं आता, आप कभी कभी इतने एग्जॉस्ट हो जाते हो कि अपने थीसिस में से मिस्टेक्स तक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो समटाइम्स होता है आप एक फ्रेश माइंड अपने किसी जूनियर को अपना थीसिस दोगे, वो विद इन सेकंड आपको पहले ही पेज पर मिस्टेक बता देगा, पहले पैराग्राफ में मिस्टेक बता देगा, और आप उस थीसिस को 10 टाइम्स पे उठा के देख लोगे तो आपको उसमें मिस्टेक नजर नहीं आएगी। तो समटाइम्स अगर इस तरह एग्जॉस्ट हो जाए तो थोड़ा गैप दें, 1-2 दिन का 3 दिन का गैप दें और उसके अपने थीसिस को लें। अच्छा एनीवे इसमें क्या मिस्टेक है, कैन यू फाइंड आउट द मिस्टेक। यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है एरर, सबसे ज्यादा एरर डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द थीसिस इज डिस्कशन पार्ट, डिस्कशन में स्टूडेंट्स बहुत एरर करते हैं, डिस्कशन इनफैक्ट स्टूडेंट्स को नहीं आता। यस द 2 टाइम्स है, यस ट्रू करेक्ट, कैन यू फाइंड द, ठीक है। तो समटाइम्स इस तरह की मिस्टेक होती है जो आपको थीसिस पे नजर नहीं आती, इसलिए बड़ा फोकस होकर लिखना पड़ता है। वंस यू प्रिंट द थीसिस
थीसिस जो है पीएचडी का थीसिस आपके फॉरेन कंट्रीज पे जाते हैं, वहां से चेक हो क्या है अगर आपके इस तरह की भी मिस्टेक आई, कई ग्रामेटिकल एरर है, इंग्लिश में एरर है या टाइपोग्राफिकल एरर है, तो ये बड़े हाईलाइट होते हैं तरह के पॉइंट्स के या फिर एक्सपेरिमेंटल वर्क में मिस्टेक, तो हर चीज काउंट होती है और वो डिसाइड वो फिर अपना देते हैं कि इधर इस पे कैंडिडेट को पीएचडी अवार्ड करनी भी चाहिए कि नहीं। सो थीसिस राइटिंग बहुत फोकस्ड, पता है थीसिस जब आप लिखते हैं इस तरह, जब आपके बंडल्स के बंडल्स ड्राफ्ट के ड्राफ्ट बनते हैं, फाइनली एक इस तरह की थीसिस की फॉर्म आपकी हो जाती है, ठीक है। थीसिस के साथ साथ पैरेलल आपका मैन्युस्क्रिप्ट भी आप साथ साथ चलाएं, समटाइम्स होता है कि लोग 6-7 साल के बाद पेपर लिखते हैं तो फिर इस तरह का हाल हो जाता है, ठीक है। सो ऐसे जैसे आपके एक कंप्लीट स्टडी होती है 2-3 साल में, अपना पेपर भी लिखी है, ठीक है, पैरेलल थीसिस पेपर लिखिए, वक्त पे सबमिट करवाइए, ठीक है, क्योंकि पीएचडी के वक्त आपके पेपर रिसर्च पेपर्स भी आपके होने चाहिए तो ही डिग्री अवार्ड होती है, ठीक है। तो साथ साथ पेपर भी लिखिए और बी सिंसियर विद योर, समटाइम्स लोग एक दूसरे को फेवर देने के लिए भर भर के दूसरों के नाम ऑथरशिप में दे रहे होते हैं, ठीक है। सो प्लीज बी सिंसियर विद योर वर्ड, ठीक है, और ट्राई टू सबमिट योर पेपर इन गुड इम्पैक्ट फैक्टर, ठीक है। मैंने देखा यहाँ पे लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि उनका पेपर जर्नल में एक्सेप्ट हो जाएगा, वो हमेशा लो इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में जाते हैं और फीस वाले, मुझे समझ नहीं आता इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों है। मैं तो अपना सीधा 4 इम्पैक्ट फैक्टर में सबमिट करवाया विदाउट फीस, एक्सेप्ट हो गया। राइटअप स्ट्रांग हो, आपका काम अच्छा हो, आपने अच्छा लिखा हो तो वो खुद ही एक्सेप्ट होगा। हाँ, 4 टाइम्स मेरे पेपर को रिव्यू मतलब रिवाइज करवाया और वो पेपर फाइनली एक्सेप्ट हो गया। हालांकि इस दौर में खासतौर पर पाकिस्तान इंडिया ये जो इस तरह की कंट्रीज है उनका पेपर अच्छे जर्नल में पब्लिश होना डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप अच्छा राइटअप और अच्छा काम हो तो आपका पेपर अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में भी जा सकता है, वरना मोस्टली आपके पेपर्स रिजेक्ट होते हैं, ठीक है। और लास्ट में साथ में यही कहूंगी कि स्मार्टर वर्क करना है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल डोंकी वर्क कर रहे होते हैं, तो ड्यूरिंग योर रिसर्च योर ब्रेन, कुछ लोग बस सिर्फ कॉपी मतलब बगैर अपना दिमाग लगाए बस सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये तो काम टेक्नीशियन भी कर सकता है। यू आर रिसर्च स्कॉलर, आप साइंटिस्ट बन रहे हैं, चीजों को एक्सप्लोर मैकेनिज्म को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट करके डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ डेटा कलेक्ट करके उसका एनालिसिस करके थीसिस में लिखना इज नॉट इनफ। आप कोई टेक्नीशियन नहीं है कि आप ये डॉक्यूमेंटेशन, ये आप एक कम्युनिटी के लिए एक हेल्पफुल चीज काम कर रहे हो, जिसका अगर एक थीसिस लिखा उसको लाइब्रेरी में रख दिया क्या फायदा, सिर्फ डिग्री आपको अवार्ड हुई, कम्युनिटी के लिए तो आपने कोई काम नहीं किया। तो अपने काम को अपना ऐसा हाइपोथेसिस जनरेट कीजिए जो किसी के, जो हमारी पेशेंट के लिए यूजफुल हो, हमारी रिसर्च की साइंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हो, किसी डिजीज की ट्रीटमेंट उसकी डायग्नोसिस के लिए। स्मार्टली अपने एक्सपेरिमेंट कीजिए, स्मार्टली अपने यूज कीजिए कि अगर ये रिजल्ट आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं और इससे हम और कौन वे पे जा सकते हैं, इसको रिलेट कीजिए, चीजों को कोरिलेट कीजिए, कंपेरिजन कीजिए, ठीक है। समटाइम्स लोग सिर्फ वो कुछ लोगों को मैंने देखा एलाइजा का एक्सपेरिमेंट करेंगे, फॉरन स्टेटस पे अपलोड कर देंगे, ठीक है, कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किया। अगर इन चीजों में फोकस हो गए तो कभी साइंस को फोकस नहीं कर पाएंगे, फोकस ऑन साइंस, फिर आप एक फ्रूटफुल चीज को ला सकते हैं मार्केट में, ठीक है। सब ये अच्छा, पीएचडी जो है वो बेसिकली एक ट्रेनिंग टाइम होता है, ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसी दौरान जब एंड में मैं पीएचडी में पहुंची तो मुझे अपने एक्सपेरिमेंट में से अपनी मिस्टेक नजर आई, ठीक है, तब आपको समझ आता है मेरी मिस क्या थी, मुझे ये एक्सपेरिमेंट करने चाहिए थे, मुझे ये ऐसा करना चाहिए था, अगर मैं ये ऐसे करती तो ये बेहतर था। तो आप रास्ता चीजें क्लियर होती है वो बिल्कुल जब आप राइटअप पे पहुंच जाते हैं ना, तो समझे पीएचडी आपके साइंटिस्ट बनने का एक स्टार्ट ऑफ करियर है, उसके बाद चीजें समझ आना लगती है, ठीक है। उसके बाद फिर आप डिफरेंट ग्रांट रिसर्च के लिए लिखे, आपको ग्रांट्स मिलेंगे, आप यू कैन राइट द नेक्स्ट प्रपोजल और उस पर परफॉर्म कीजिए एक्सपेरिमेंट, फिर अपने स्टूडेंट्स ये या फिर आगे पोस्ट डॉक में कीजिए। तो दिस इज द स्टार्ट, और फिर उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर और थीसिस लिखने के बाद एक वो जो साइंटिस्ट का रियल साइंटिस्ट का ब्रेन होता है ना वो काम करता है लिटरली। तो फिर और सबसे लाइफ से हैप्पीएस्ट डे होता है जब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की आपको डिग्री अवार्ड हो। बहुत पेनफुल, बहुत आइसोलेटेड, नॉन सोशल, मतलब बहुत ही आइसोलेटेड होकर जो टाइम पीरियड आपने गुजारा होता है उसका एंड पॉइंट बड़ा फ्रूटफुल होता है जब ये दिन आता है तो सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की डिग्री आपको अवार्ड हो रही हो। उसके बाद मतलब उसके बाद कोई स्ट्रेट नहीं है, इतना हाईली क्वालिफाइड। सो और 17th सेंचुरी वगैरह में पहले ही होता था कि मुस्लिम्स के पास अंग्रेज वगैरह आते थे और यहाँ पास आके सीखते थे, तब तो मुसलमानों की ये मुस्लिम्स की ये इस तरह की ड्रेसेस होती थी, फिर कॉन्वोकेशन के लिए आइडिया अंग्रेजों को यहाँ से आया है, ठीक है। सो डेट इज ऑल अबाउट, तो समझे एमफिल पीएचडी ट्रेनिंग है जिसमें आप ट्रेंड होते हो और उसके बाद आपको समझ आती है कि हाउ टू वर्क, हाउ टू डू
रिसर्च और आप नए मैकेनिज्म को कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, कैसे एक्सप्लोर करते हो, उसके बाद आपको राहें नजर आती है और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या बेहतर हम कर सकते हैं, उसके उसके बाद आपको अपना विजन क्लियर आता है। ठीक है।